सुप्रभात दोस्तों, मेरे चैनल में स्वागत है। आइए अपने दिन की शुरुआत एलेक्स की कहानी से करते हैं। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एलेक्स नाम का एक लड़का रहता था। एलेक्स एक गरीब परिवार से था, लेकिन वह सपनों और आकांक्षाओं से भरा हुआ था। उसे अपने आसपास की दुनिया पर सकारात्मक प्रभाव डालने की गहरी इच्छा थी। एक दिन गांव से गुजरते हुए एलेक्स ने एक पुरानी परित्यक्त इमारत को देखा। वह जीर्ण शीर्ण था और मरम्मत की सख्त जरूरत थी। इसे देखकर उसे दुख हुआ, लेकिन भीतर एक विचार भी जागा। उन्होंने पूरे गांव के लिए इमारत को एक पुस्तकालय में बदलने का फैसला किया। उत्साह और दृढ़ संकल्प के साथ एलेक्स ने ग्रामीणों के साथ अपना दृष्टिकोण साझा किया। इतने बड़े लक्ष्य को हासिल करने की एलेक्स की क्षमता पर कई लोगों को संदेह था, लेकिन वे अड़िग रहे। उन्होंने धन एकत्रित करने के लिए स्थानीय व्यवसायों तक पहुंचे और अपने कारण का समर्थन करने के लिए समुदाय को एकजुट किया। कई चुनौतियों का सामना करने के बावजूद वे डटे रहे। महीने बीतते गए और धीरे धीरे एलेक्स का सपना आकार लेने लगा। लोग किताबें, अलमारियां और फर्नीचर दान करने लगे। कुशल बढ़ई और चित्रकारों ने भवन में जीर्णोद्धार के लिए अपना समय और कौशल स्वेच्छा से दिया। गांव धीरे धीरे एलेक्स की दृष्टि पर विश्वास करने लगा और उसके प्रयासों में शामिल हो गए। आखिरकार एक साल की कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प के बाद पुरानी इमारत को एक खूबसूरत पुस्तकालय में तब्दील कर दिया गया। पुस्तकालय, किताबों की अलमारियां, आरामदायक पढ़ने की जगह और दीवारों पर जीवन चित्रकारों से भर गया। भव्य उद्घाटन के लिए ग्रामीण एकत्रित हुए और एलेक्स की आंखों से खुशी के आंसू झलक पड़े। पुस्तकालय पूरे समुदाय के लिए ज्ञान प्रेरणा का केंद्र बन गए। बच्चों ने उत्सुकता से किताबों के पन्नों को खंगाला, नई दुनिया और विचारों की खोज की। अपने अतीत को याद करते हुए, युवा पीढ़ी के साथ कहानियां साझा करते हुए बुजुर्गों को शांत कोनों में सुकून मिला। पुस्तकालय ने ज्ञान की प्यास और एकता की भावना को प्रज्वलित करते हुए गांव में जीवन की सांस ली। एलेक्स की उल्लेखनीय उपलब्धि की खबर दूर दूर तक फैल गई। आसपास के गांवों और यहां तक कि शहर के लोग भी परिवर्तन देखने और उनके उदाहरण से सीखने के लिए आए। एलेक्स आशा का प्रतीक बन गया। दूसरों को अपने सपनों का पीछा करने और अपने समुदायों में बदलाव लाने के लिए प्रेरित किया। साल बीतते गए और पुस्तकालय फलता फूलता रहा। ये एक व्यक्ति की दृष्टि की शक्ति और एक समुदाय के सामूहिक प्रयास का एक वसीयतनामा बन गया। एलेक्स ने और भी कई उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की, लेकिन उसने पुस्तकालय की स्मृति को हमेशा अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि के रूप में संजोया। एलेक्स और पुस्तकालय की कहानी हमें सिखाती है कि कोई भी सपना बहुत बड़ा नहीं होता और कोई भी लक्ष्य अप्राप्य नहीं होता यदि हम उसे पूरा करने का साहस रखते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि संदेह और विपरीत परिस्थितियों में दृढ़ संकल्प और दृढ़ता अविश्वसनीय परिवर्तन ला सकती है। हम में से प्रत्येक के पास दुनिया में बदलाव लाने की शक्ति है, चाहे हमारी शुरुआत कितनी भी छोटी या विनम्र क्यों न हो। आज की कहानी यहाँ पे समाप्त करती हूँ। जाइएगा मत अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, दूसरों को भी इसे शेयर करिएगा। थैंक यू।